ये वो लोग हैं जिन्हें आज पूरा देश खड़े होकर प्रणाम कर रहा है। आज की ये खबर आपको इतना सुकून देगी जितना कोई खबर नहीं दे सकती। आपको बता दें कि देश में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में देश के कम ही लोग जानते हैं। वैसे भी 2017 के बाद से उन लोगों को पद्म अवार्ड मिल रहे हैं जो इसके असली हकदार हैं। अब पद्म अवार्ड्स भारत के गरीब और साधारण लोगों को भी मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो समाज में असली बदलाव ला रहे हैं। 2023 के पद्म पुरस्कारों में भी कई आम लोग शामिल हुए। इसी दौरान कई भावुक कर देने वाले पल देखने को मिले। इनमें से एक खास अवार्ड के बारे में आज आपको बताते हैं। राष्ट्रपति भवन में बैठे सभी लोग तब हैरान हो गए जब एक मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी झोली फैला दी। हीराबाई इब्राहिम लोबी नाम की महिला को जब पद्म अवार्ड के लिए बुलाया गया तो राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बुजुर्ग मां हीराबाई जैसे ही आगे की पंक्ति में बैठे पीएम मोदी के पास पहुंची तो उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने मेरी झोली भर दी है। ये सब कुछ देख पीएम मोदी के साथ बैठे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी हैरान हो गए। इस दृश्य को देख आज पूरे देश की आंखें नम हैं। आइए सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि हीराबाई लोबी कौन है। हो सकता है कि आपको वीडियो में शब्द समझ ना आए, लेकिन आप भाव समझने की कोशिश कीजिए। हीराबाई लोबी गुजरात स्थित गिर सोमनाथ जिले के जांबूर गांव की रहने वाली हैं। हीराबाई लोबी अफ्रीकी मूल के सिद्धी समाज की हैं। सैकड़ों साल पहले अफ्रीका की इस जाति के आदिवासी लोगों को भारत में लाकर बसाया गया था, जो आज सिद्धी समुदाय के तौर पर जाने जाते हैं और गुजरात में गिर के जंगलों में रहते हैं। हीराबाई भी इसी समाज से आती हैं। वो खुद तो कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सिद्धी समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। हीराबाई अपने समाज के लड़के और लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने सिद्धी महिलाओं को रोजगार भी दिलवाया। इसी कार्य के लिए उन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है।